गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके बाद आप आओगे वीडियो कंटिन्यू कीजिए। सो गाइज, अभी उठी हूँ एंड नीचे जा रही हूँ फटाफट, बिकॉज ब्रेकफास्ट बनाना है। कल वाले व्लॉग में दिखाया था मम्मी को मासी जी के घर जाना पड़ा था बिकॉज अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो मम्मी वहीं पे गए हुए, तो मैंने कहा पापा ने तो 12:30 निकलना होता है पापा ने, तो जल्दी से जाके मैं नीचे ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। कल भैया बोल रहे थे कि ना उनका ना राजमा खाने का मन हो रहा था, तो भाभी को बोला था उन्होंने, बट मैंने कहा मैं बनाती हूँ राजमा। भाभी ने बहुत बोला था कि नहीं मैं बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे बना देता हूँ, बिकॉज क्या होगा मैं जितना खाना बनाती जाऊँगी ना मेरा हाथ उतना खुलता जाएगा एंड प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जा ही रही हूँ। सो अब धीरे 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 सारे मसालों वसालों की सबकी अब नॉलेज हो, मतलब पहले ना मैं शादी से पहले मुझे मतलब कुकिंग तो आती थी बट मैं रेगुलर नहीं बनाती थी, कभी कभार बना लिया, कभी मन किया कभी कुछ हुआ तो वैसे बना लिया। दो एक हाथ ना बैठा नहीं होता, जैसे मम्मी से थोड़ा सा पूछ लिया वैसे वैसे करके। अब ना मेरे में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आते जा रहे, काफ़ी सब्जियां ना मैं मम्मी मतलब यहाँ पे मम्मी नहीं भी होते ना मैं तब भी सब्जी बना लेती हूँ और फिर यहाँ पे थोड़े उनके अकॉर्डिंग मिर्च मसाले जैसे खाते हैं वैसे करके, तो अब काफ़ी हद तक तो हो ही चुके हैं। बस अब मैंने कहा राजमा छोले कड़ी अभी बड़ी बड़ी है चीज़ें, तो अब इन पे भी थोड़ा हैंड अपना क्लियर कर दी जब, मैंने कहा मुझे बना देना। भाभी कहते ठीक है, भाभी कहते कुछ दिक्कत होगी तो बता दियो, मैंने कहा ओके। तो अभी फिलहाल गाइस जाती हूँ नीचे, सो आइए आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। राजमा बल्ले लग दी है और साथ साथ यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो पापा ने ना कहा जूस पीते हैं, पापा ने अपने लिए भी मंगवाया मेरे लिए भी मंगवा दिया। और गाइस प्याज इतने ज़्यादा तीखे हो रखे हैं, देखिए भी क्या हाल हो रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा तीखे हो रहे थे, जबकि भी मैं चॉपर में करती हूँ बट छिलते हुए कट करती हूँ तब भी इतना बुरा हाल हो जाता है। तो आज मॉर्निंग के ये मतलब गाजर वाला जूस पापा ने मंगवा दिया, शायद ना गाजर वाला जूस मैं बहुत ही कम पसंद करती हूँ, जब आ गए तो क्या कर सकते हैं। रेडियो के भी आ गए? हाँ जा रहे हो, मैं तो भी बना रही हूँ। चलो कोई नहीं, लेट हो रहा हूँ ना, मेरे को फोन कर देते कि आने वाले में इतने में वो रख देती। चलो कोई नहीं, अब बिना ब्रेकफास्ट के अगेन बताओ, हद है भाई, अब जल्दी आ जाना टाइम से, ठीक है? क्या बना रहे हैं? राजमा। अब ये बताओ लंच में चावल बना दो साथ में? चलो टाइम से आ जाना पर। ओके स्मार्ट लग रहे हो, स्काई ब्लू, थैंक यू। चलो बाय। जा रहे हो पापा? और मम्मी से बात हुई? मम्मी की रात को बात हुई थी, सुबह भी कर रही थी। मम्मी कह रहे अभी डॉक्टर ने कहा है कि उन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे रखा है कि अभी सीरियस हालत है, देखो कब क्या होता है क्या नहीं होता, अभी समस्या वेंटिलेटर में उनको लिटाया हुआ है कह रहे हैं। वही ना समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा मम्मी वहाँ चले गए मासी को देख रहे हैं ना? मैंने तो कहा मम्मी को अब 2-3 दिन रहो। हाँ वही रहो, मैंने भी यही बोला था। मैंने कहा अभी वहाँ देखो, यहाँ पे तो भाभी और मैं हूँ देख लेंगे। मैं कहा यहाँ की भी अब टेंशन मत करो, अभी भाभी कह रही हूँ मासी के साथ रहो अभी आप ना, देखो क्या होता है। मैंने वही बोला, मैं जो होगा अच्छा ही होगा, जो होता अच्छे के लिए। हाँ किस्मत क्या, किस्मत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, इस सब में ना हम लोगों की कुछ चल ही नहीं सकती, सब पहले से ही भगवान ने सब डिसाइड कर रखा होता है क्या करे। चलो कोई बात नहीं, जो अच्छा। चलो ठीक है पापा जी। हाँ जी राजमा तो बन के हो चुके रेडी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ कैसे बने कैसे नहीं बने। सो फर्स्ट टाइम मैंने मतलब बिल्कुल विदाउट किसी के हेल्प के ही राजमा बनाया है, तो देखती हूँ कैसे बने कैसे टेस्ट आता है। बस पापा भी गए हैं, तो पापा ने कह रहे थे कि राजमा पापा को नहीं खाने, सुबह सुबह हैवी पापा का मन नहीं कर रखा देखा, जूस वगैरह पापा ने नीचे पी लिया था, तो पापा कह रहे थे मसाले के साथ ही दे दो अभी बस। मतलब जब पापा आए थे ना तो मैं मसाला बन के बस रेडी हो रहा था, मैं डालने वाली थी, तो पापा कहते मुझे मसाले के साथ रोटी दे दो। पापा को बिकॉज मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो रोटी के साथ मसाले के साथ यही ब्रेकफास्ट करके चले गए पापा। तो राजमा तो बन के हो चुके हैं रेडी, मंदू को फ़ोन किया है मैंने कहा बता दो चावल खाने है रोटी जैसा भी हो बता दो, वो कह रहे अभी कस्टमर आए हुए तो फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। अभी बस यहाँ की डस्टिंग करी, आंटी तो झाड़ू पोछा कर गई है, डस्टिंग करती हूँ, इन कपड़े लगाए हैं अभी, तो बस यही काम अभी तो चल रहा है। अभी ना मैं व्लॉग का कमेंट रीड कर रही थी, सबसे ऊपर उमा मुखर्जी का आ रखा था कि आप बहुत सिलेक्टेड लोगों के ही आंसर्स देते हो कमेंट्स का, कि मैंने बहुत बार पूछा है कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है,
ऐसा नहीं है उमा जी कि मैं सिलेक्टेड लोगों का आंसर देती हूँ, मैं अपना जितना ट्राई कर सकती हूँ उतना ट्राई करती हूँ कि सबको आंसर दे सकूँ। तो यस, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कह सकते, हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। सो ब्रांड्स भेजते हैं और सुधर उन्हें प्रॉफिट हो, सो काइंड ऑफ एक आप लगा दीजिए ऐड करने के लिए हमें दे रहे हैं, सो दैट मतलब हम समझते ऐड कर रहे तो उनका भी फ़ायदा ही होता है, तो इसीलिए ब्रांड्स हमें सामान भेजते हैं। तो बहुत से लोग बोलते थे कि आपको तो फ्री का सामान आता है, फ्री का सामान आता है, फ्री का सामान नहीं आता गाइज, हर किसी को तो कोई नहीं भेज रहा, काम करते हैं तो हमारा काम ही इन्फ्लुएंसर का है और सोशल का काम है, सोशल मतलब प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो इसीलिए हमें भेजते हैं। और जब मैं खुद से जो चीज़ परचेज करती हूँ मैं हमेशा मेंशन करती हूँ ये मैंने खुद से परचेज किया हुआ है, जब मैं मेंशन नहीं करती तो येस दैट मीन्स ब्रांड्स ने हमें भेजे हुए हैं। अभी बस मन्नू का फ़ोन आया कि वो आ रहे हैं तो मैंने फटाफट से चावल रख दिए हैं, तो डेढ़ ग्लास चावल बन रहे हैं, अब इसको बस जल्दी से कुकर पर सीटी लगाती हूँ। क्या लाए हो परी, पटाखे चाची भी फोड़े? गाइस वैसे तो मुझसे कम बात करती है पर अभी आई है मेरे पास पटाखे लेकर, नीचे से भी नीचे ही थी पटाखे लाए, चाची को देना एक दो। दे रहे हो? अरे इसका क्या सीन है, मुझसे बात कम करती, खेलती है मेरे साथ। ओए एक चाची को, ओए एक चाची को तो दे दो परी, चाची को तो दे दो, दे ही नहीं रही मुझे, पटाखे फोड़ी जा रही है, चाची को नहीं देना, एक तो दे दो, ओनली वन। कर रहे हो, दे दे एक चाची को तो दे दो, दे दिया, थैंक यू, फोड़े, वन टू थ्री। अभी बस मन्नू आए हैं और ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते थे, मेरे को बड़ी खुंदक आती है, टेस्टी है। अरे ऐसा लग रहा है मम्मी ने बनाया, लग रहा है अभी तुम 3 महीने की नहीं सालों से नहीं। मैं पहले ना कुकिंग करती थी राजमा, मैंने घर पे भी बना रखे पर मैंने रेगुलर नहीं बनाती थी खाना ना, कभी कभार बना दिया, एक आध महीने में एक आध सब्जी बना दी, वैसे वाला सीन था मेरा, तो अब रेगुलर हो के हाथ खुलता जाता है, ये सीन है बस। देख रहे हो आपके जैसे बनाने लग गई है तो मम्मी तो मम्मी गई मासी के घर, तो कल बताया ही था कल गए हुए मम्मी से, तो मम्मी तो सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरी अच्छे से, बाकी तो अपने हाथ का मैजिक, मैं पहले भी बोला पापा को मैं अपने हाथ का मैजिक मम्मी मेरे हाथ में दे रहे हैं, ऐसे ट्रांसफर कर दिया मम्मी ने। और बस भैया के लिए थोड़ी सी मिर्ची हो गई है ना, किसी ने थैंक यू भैया, बट वो ये मैंने कहा भैया ना थोड़े कम खाते हैं ना मिर्च वाला, मैंने अपनी साइड से कम ही रखी, बट 19-20 कई बार हो जाती है। खानी कम चाहिए, मैंने वैसे ग्रीन चिली डाली है 3 डाली है, मैंने लाल मिर्च कम करी थी, आधा चम्मच डाली थी, मैं कहा लाल मिर्च कम ही डालो, चलो खा लो आराम से। नो गिराज मंगलसूत्र के लिए चल पड़ो, चलो मैं तो वही कह रहा हूँ गला मेरे को अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी क्या थी? हाँ भाभी के पास रखवाया हुआ है तो मैं ले लेती हूँ भाभी से। और अभी तो कमेंट पढ़ रही थी, एक का आ रहा है शालू कौर जी का, मैंने ही पढ़ा था कमेंट ना। हाँ वो कह रहे हैं कि आप लेट उठोगे, मतलब मेरे को पूजा को, कि आप लेट उठोगे तो मन्नू ब्रेकफास्ट कैसे करेंगे। शालू कौर जी चक्कर क्या है, सुबह मतलब जैसे उठते हैं हम उसी टाइम थोड़ा पानी वानी पी के एकदम हो जाता है, तो मैं दुकान खुलवाने ही करता हूँ, पहले दुकान खुल जाए फिर तो दोबारा मैं आ जाता हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करना या लंच करना है, पहले एक बार दुकान खुल जाए टाइम से, तो सब खाना रेडी रहता है पर मन्नू नहीं कर खाते। और आपको पता ही है कि इस समय अब थोड़ा सीजन का टाइम है तो दुकान टाइम से खुल जाए, तो यही चाहते हैं हम भी, तो इसलिए फटाफट भागते जाना पड़ता है कि दुकान ओपन हो जाए टाइम से, उसके बाद तो जब मर्जी घर पास में ही है, बाकी ट्राई किया करो ब्रेकफास्ट करके जाओ भाई। हाँ जी, ठीक है चलो शालू कौर जी आपकी बात पे जरूर ध्यान देंगे। ठीक है तो ब्रेकफास्ट करके कोशिश करेंगे टाइम से ब्रेकफास्ट भी करें। हाँ सारे काम टाइम से हो, ठीक है शालू कौर जी। बस गुप्ता ज्वेलर्स पहुंचे, चले फटाफट ठीक करवा दो मेरा भाई मंगलसूत्र, अभी तो मेरे को लग रहा है टाइम लगेगा ही नहीं, रखेंगे अपने पास है ना। चलो गाइस पहुंच चुके हैं गुप्ता ज्वेलर्स के कारीगर जी के पास। भैया जी ये टूट गया तो कब तक हो जाएगा ये? परसों मिलेगा, तो नीचे रखवा के आए ये ऐसे टूट गया था मंगलसूत्र ना, तो अभी इन्होंने ना ऊपर कारीगर ने थोड़े से मतलब वो जो करते हैं हीट करके काला कर दिया, तो कह रहे टाफा लगेगा तो ये परसों बाहर का मिलेगा।
मंगलसूत्र तो दियाई थी मैं, एंड उसके बाद ऊपर आई थी, थोड़ी देर बैठी हुई, उसके बाद थोड़ा अपना सीरीज देखी। ऐसे ही टाइम निकल गया, सीरीज देखते देखते ना पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम निकलता है। एक एपिसोड के बाद इंटरेस्ट आने लगे, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है। सो अभी बस जाती हूँ नीचे मैं, और क्या कहते हैं, अभी मेरी ना मम्मी से भी बात हुई थी और संतोष मासी से भी बात हुई थी, तो बता रहे हैं कि अंकल को ना आज भी मेडिसिन दी है, तो अंकल को ना होश आया है, आईज खुली है। अब बाकी जो भी होगा वो उन्हें कल पता चलेगा, कल मम्मी मासी सब जाएंगे मिलने के लिए, तो तब उन्हें पता चलेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है अभी अंकल जी। हम तो बस यही प्रे कर रहे हैं अंकल वापस अच्छे से अपनी फैमिली के साथ, अपने वाइफ बच्चों सबके साथ आ जाए, बिकॉज मासी ना फिर अकेले है, तो थोड़ा हमें इस चीज़ की भी टेंशन रहती है, मासी बिल्कुल ऐसे अकेले हो जाएंगे, बिकॉज उनकी दोनों बेटी है, दोनों बेटी की शादी हो चुकी है, तो ऐसे उनका साथ बना रहता है ऐसे, और हम तो यही चाहेंगे हमेशा उनका ऐसे ही साथ बना रहे। बाकी देखते हैं जैसा भी होता है, होना तो वही है जो किस्मत में होता है, हम तो कुछ चेंज नहीं कर सकते जो भी किस्मत में लिखा होता है। तो फिलहाल गाइस जाती हूँ नीचे, देखती हूँ डिनर के लिए क्या करना है, क्या प्रिपरेशंस करनी है। आ गए? आ गया जी, आ गया। आज तो मैं बड़ा बोर हो गई पीछे से। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं करने को, फिर मैं टीवी देखने लग गई, सीरीज। अच्छा, हाँ। कौन सी सीरीज देख रही थी? एलीट देख रही थी। एलीट जो रात को स्टार्ट नहीं करी थी। अच्छा अच्छा, आपका देखो इंस्टा चल रहा है? चल रहा है, देखो एक बार। हाँ, चल रहा है। देखा अभी तो, देखा है? मेरा नहीं चल रहा, पता नहीं, नो इंटरनेट कनेक्शन लिखा आ रहा है बार बार। फेसबुक भी लॉग आउट हो गया था, वो भी करा, वो लॉग इन हो गया, अब पता नहीं क्या हो रहा है, कोई ग्लिच आ गया होगा। सो गाइस ये ना चुकंदर अभी कट किया गया, उसी के कलर है। ये परी को मैं बचा रही हूँ। परी आ जाओ होली के लिए, वैसे भी इसके दादी के लिए। परी चाची होली होली हो। कलर लगाएंगे, कलर 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 नहीं लगा रही चाची, नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। ये लो चाचू को लगा दू, चाचू को लगा दू, चाचू को लगा दू, ये लो चाचू। अब परी के लगेगा, अब परी को लगेगा रंग। अभी बस डिनर कर रहे हैं, तो भाभी ने आज बनाई है ये मूंगी मसर की दाल। सुबह राजमा बने हुए थे तो भी हल्का हल्का खाने का मन था, तो यही बना रही है साथ में ये अचार। आप भी तो खा लो कुछ। नहीं, इसको बलून, इसके दादू ने बलून ला दिया, बस इसने बलून की तीतर बीतर कर दी है। परी लोग बस ऊपर आए हैं, एंड जो मेरी सिस्टर इन लॉ है स्वीटी दीदी, उनकी बेटी का आज बर्थडे है, तो सना मैंने आपको व्लॉग में मिलवाया हुआ उसे, जो बहुत सुंदर है, उसका आज बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे सना, एंड हर रियल नेम इज़ भाविका। सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, बहुत खुश रहो अपने लाइफ में और बहुत सारी तरक्की करो। अभी तो उसकी एग्ज़ाम चल रही है, तो एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आए, एंड अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाओ। सो ऑल द बेस्ट फॉर यूर फ्यूचर सना। सो गाइस बस ये वाला जो ब्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे, एंड हम मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।